सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्वागत देखते हैं आज की खास खबर। हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में महिला स्व सहायता समूह की बैठक। जयपुर जिले के नगर पालिका बड़ा मनेरा सभाकक्ष में महिला स्व सहायता समूह की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीकांत खरे एवं नगर पालिका उप मंत्री के नेतृत्व में एक बैठक सम्पन्न हुई एवं हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्व सहायता समूह को विस्तार से समझाया एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करने को प्रेरित करने के लिए कहा गया कि आप लोग हर घर के लोगों को देशभक्ति एवं हर घर तिरंगा अभियान के पूरे शहर में पहुंचाएं एवं DNULM प्रभारी सुष्मिता सक्सेना स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में भी सभी समूहों को समझाया और अपील की कि आप लोग आसपास के लोगों को जो हमारे शहर में कचरा निकलता है उसको अलग अलग तरह से प्रशिक्षित कर बताएंगे कि हमको करना क्या है और कैसे करना है। भज संहिता की जो एक मेन लाइन है वो अपन को कॉम्प्लेक्स बनाकर जरूरी मोदी जी की भज संहिता का पालन करना अनिवार्य है। अगर झंडे का कोई भी अपमान होता है तो वो हमारी कमी है, तो ये हमको पहले स्वयं सीखना है और जिस भी हितग्राही या प्रतिभागी को हम शामिल कर रहे हैं ये उसको भी बताना जरूरी था। हम आपको झंडे दे दें, ये झंडा अपने को लोगों के जहन में डालना है कि झंडा अनिवार्य है लगाना, देश प्रेम का एक प्रतीक है, सब अपने मन से लगाए, किसी पर दबाव भी डालना है कि ये जरूरी है लगाओ नहीं तो आपके विरोध में आ जाएगा। जितने हमारे पास झंडे खत्म हो जाएंगे या कम पड़ जाएंगे तो फिर हम आप लोगों से भी झंडे बनवाएंगे। अभी हमने 2500 झंडे मंगवाए हैं, जिसमें भी आ जाए उसमें से तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लोग खरीदेंगे क्योंकि हम लोग बहुत जागरूक है, इसमें प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सोशल मीडिया पेपर वेपर सब में जागरूकता जाती है। आप लोगों का मेन ये है कि लोगों के जहन में जगाना कि